वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी नेम दे सकते हैं। तो एट्थ क्लास साइंस का आपका चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि भाई हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट एक्शन टू टेक बाय यू। तो फ्रेंड्स तुमने बताना है कि भाई अपने जो ग्रीन वेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ग्रीनरी कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप, जहाँ जिस लोकेशन में, जिस लोकेलिटी में, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ किस तरह से आप ग्रीनरी जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपनी पर्सनली जो आपकी फीलिंग्स हैं वो लिख सकते हैं कि भाई मैं ग्रीनरी ऐसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो जो मेरी पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो सब बच्चे लिख सकते हैं, उसके बाद जो आपका मन करे वो भी आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब लोकेलिटी में ग्रीनरी आपने बढ़ाना है, वो आपने अब देखना होगा कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को मानसून के सीज़न में, प्रत्येक व्यक्ति को मानसून जो आता है ना, उस सीज़न में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है, और उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और गर्मियों के समय उसको पानी देना खास करके बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है या कोई मान लो कि एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, या कोई भी मान लो कि हैप्पी ओकेज़न या फिर कोई सेरेमनी है, तो किसी भी ओकेज़न के ऊपर हम एक गिफ्ट जो देते हैं, तो स्टूडेंट्स हम अगर गिफ्ट प्लांट देना शुरू कर दें तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा गिफ्ट रहेगा, वो भी एक यूनिक गिफ्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पर्सनली ये सजेशन करूँगा कि आप किसी के बर्थडे पे आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो बच्चा जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस आप किसी भी रिलेटिव को या किसी भी फ्रेंड को एक प्लांट गिफ्ट कर रहे हैं और अपने बर्थडे वाले दिन अगर उसे लगाता है, तो वो उसके लिए मतलब जो है कि यादगार रहेगा कि मैंने मेरे इस बर्थडे पे इसे लगाया था। ठीक है, और इससे हमारा जो है रिफॉरेस्टेशन भी हो जाएगा और हमारी ग्रीनरी भी है वो भी मेंटेन रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं, कोई भी नेशनल हॉलीडे है तो उस दिन आप कोई सेमिनार करें या फिर उसके ऊपर आप स्पीच दे सकते हैं। ठीक है, नेशनल मतलब आप गैदरिंग करके अपने अड़ोस पड़ोस में, ठीक है, उसको मतलब अभी तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, कहीं इकट्ठे करके सभी और अपना स्पीच देना शुरू कर दो। ठीक है, तो अभी तो गैदरिंग अलाउड नहीं है, नॉर्मल डेज़ में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो कोरोना की बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है तो गैदरिंग जो है वो करना सही नहीं है। ठीक है, तो मैं नॉर्मली डेज़ की बात कर रहा हूँ कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सारी कंडीशंस हट जाती हैं, ठीक है, लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाता है, तो उसके बाद की मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी नेशनल हॉलीडे पे एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, गैदरिंग करके लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी में मतलब अवेयर कर सकते हैं कि भाई अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, एनवायरनमेंट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज जो है लोगों तक जाएगा और लोग अवेयर होंगे। समझ में आ रहा फ्रेंड्स? ठीक है, तो एक अच्छे एजुकेटेड होने के मतलब जो है आप एक अच्छे एजुकेटेड हैं, आपको सब चीज़ों की समझ है, तो आपको एटलीस्ट अपने आसपास में कुछ लोगों को जागरूक करना होगा। ठीक है, जिससे जो है वो लोग जागरूक होंगे और हमारे एनवायरनमेंट जो है मेंटेन रहेगा, आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। भाई डिफोरेस्टेशन से रेनफॉल कैसे कम हो गया है, बारिशें कम कैसे हो गई हैं? देखो भाई, अगर कॉन्टीन्यूसली पेड़ कटेंगे तो एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आएगी, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है मतलब जो है गर्मी, धरती पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो सबसे बड़ा दिक्कत आता है वाटर साइकिल का, जो मतलब कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस चलता है ना, वाटर वेपराइज होकर के मतलब जो है कंडेंस्ड होकर बारिश बन के नीचे आता है, तो ये वाटर जो साइकिलिंग प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसके डिस्टर्ब होने से बारिशें अपने आप जो है कम हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, पेड़ लगातार कटते हैं तो, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाना, तो रेनफॉल तो देखो ऑटोमेटिकली कम होगा ही होगा, क्योंकि प्लांट्स अगर कंटिन्यूसली कटे जाएंगे तो जो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से पानी कम होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बारिशें कम होंगी। ठीक है, तो ये हम रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, नेम द नेशनल पार्क इन योर स्टेट, आइडेंटिफाई एंड शो देयर लोकेशन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया। तो भाई तुम्हें क्या करना है, आप जहाँ जो बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको
अपने स्टेट में, सपोज मैं जैसे कि हरियाणा स्टेट से हूँ, तो मेरे स्टेट में जो नेशनल पार्क्स हैं उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। अब मैं हरियाणा स्टेट से हूँ तो भाई हरियाणा स्टेट के जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये दो नेशनल पार्क के नेम लिख सकते हैं। एक तो है यहाँ पर, ये थोड़ा सा एरर हो गया है, जो नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो है अपने हरियाणा में है, जो गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहा जाता है, इसे आज गुरुग्राम कहते हैं, तो गुरुग्राम से लगभग 25 किलोमीटर जो है दूर है, ये मान सकते हैं हम, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो गुरुग्राम के पास में है, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि 142.52 हेक्टेयर्स एरिए में जो है फैला हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में है। उसके बाद दूसरा है भाई कालेसर नेशनल पार्क, ये जो है भाई ये यमुनानगर के पास है, यमुनानगर से 15 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा है। इसका एरिया आप देख सकते हैं 4,682.32 हेक्टेयर्स एरिया इसका है, ठीक है। तो ये दो नेशनल पार्क्स के नेम जो है आप क्वेश्चन नंबर 9 में लिख लीजिए, ये बच्चे लिखेंगे जो सिर्फ हरियाणा स्टेट से हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा दूसरी स्टेट से है, सपोज दिल्ली से है या राजस्थान से है या फिर कोई और स्टेट से है, तो वो अपने आसपास के लिख सकते, जैसे दिल्ली में, दिल्ली का कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो दिल्ली में तो भाई है ही नहीं नेशनल पार्क, तो तुम हमारे आसपास हरियाणा का, जैसे अपना राजस्थान का, कहीं का भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपके नज़दीक लगता हो। अगर कोई बच्चा ये पूछना चाहता है मेरे से कि भाई हमारे स्टेट में आप, मतलब सपोज़ कि आप कोई मान लो कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जो है वो देख रहा है वीडियो और उसको ये पता करना है कि भाई कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो वो गूगल सर्च भी कर सकता है। अगर आप गूगल सर्च नहीं करना आता है, आपको नहीं पता चलता है, तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना कि भाई हमारा ये स्टेट है और स्टेट में सर बताइए कि कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट के बच्चे ये लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, वो कितना है, ये सब चीज़ें आपको मैं जो है सब दे सकता हूँ, आप कमेंट में लिख देना, जो भी आपको इंक्वायरी है, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप अपनी स्टेट का, तो वो सब मैं आपको जो है उस कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई शुड पेपर बी सेव, पेपर सेव क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखना है। तो भाई पूरी लिस्ट आपको बनानी है कि भाई पेपर क्यों सेव करना चाहिए। भाई देखो, अभी मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई पेपर जो है वो सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेपर सेव करते हैं तो पेड़ कम कटेंगे। मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि भाई लगभग 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ होते हैं ना, जब 17 पेड़ों को काटा जाता है तो उससे सिर्फ 1 टन जो है पेपर बनता है। अब स्टूडेंट्स जो पेपर बनता है उस पेपर को हम 5 से 7 बार तक रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर 5 से 7 बार तक पेपर रिसाइकिल हो सकता है तो उसे रिसाइकिल करो, ठीक है, पेपर को सेव करो, उसको रिसाइकिल करो। अगर हर एक बच्चा एक पेपर शीट हर रोज़ एक बच्चा आता है उसे सेव करता है, तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स बहुत सारे पेड़ जो है हर साल कटने से बच जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप आपने लेना है, क्या सिर्फ एक स्टूडेंट हर रोज़ एक पेपर जरूर सेव करेगा, ठीक है। इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो डिफॉरेस्टेशन जो है काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, हमारी प्रकृति जो है मेंटेन रहेगी, आने वाली जनरेशन के लिए हेल्दी वेल्दी सब रहेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद भाई एक पज़ल है, पज़ल जो है डाउन में, मतलब ऊपर से नीचे हो गया और लेफ़्ट टू राइट हो गया, इस तरह से आपकी जो पज़ल है इसमें आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो इस पज़ल को आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल है, तो इस पज़ल को आप खुद बच्चे अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे अगर आप बच्चों से सॉल्व नहीं हो रहा है पज़ल, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरे के सामने मैं एक स्क्रीन लेके आ रहा हूँ। तो ये जो है भाई ये पज़ल का हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है भाई पज़ल का, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इस पज़ल को, ठीक है, और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ कंप्लीट होती है, ठीक है।